हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी फ़ोन है तो रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर जो हमारे फ़ोन में स्टेटस बार सेटिंग्स है तो स्टेटस बार सेटिंग्स को हम कैसे सेट कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि स्टेटस बार सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर पाएंगे और साथ में स्टेटस बार को कैसे आप आइकन्स को स्टेटस बार में शो कर सकते हैं, तो वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन होंगे, ओपन जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, वो क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन होगी। तो जो हमारे फ़ोन में स्टेटस बार सेटिंग्स हैं तो स्टेटस बार सेटिंग्स को सेट कैसे कर सकते हैं और स्टेटस बार आइकन्स को कैसे सेट कर पाएंगे, सिंपली आपकी सेटिंग शो हो रही है तो आपको जाना है नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेटिंग्स पे। फिर आपको यहाँ से क्लिक कर देना स्टेटस बार पे। तो स्टेटस बार पे क्लिक करते हैं तो आपके पास स्टेटस बार आइकन्स आ जाते हैं, जैसे शो आइकन्स। जो भी नोटिफिकेशंस आइकन होते हैं उसको हम शो करना चाहते हैं तो उसको ऑन करना है। तो यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशंस आइकन्स होंगे आपके स्टेटस बार पे शो हो जाएंगे। इस तरह से कनेक्शन स्पीड को आप शो करना चाहते हैं तो कनेक्शन स्पीड आपके स्टेटस बार पे शो हो जाएगी, राइट लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप शो हो गए। इस तरह से कैरियर डिवाइस को भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। कैरियर नेम, जैसे एडिट कैरियर नंबर को भी आप सेट कर सकते हैं। बैटरी इंडिकेटर है, इसको आप चेंजेस कर सकते हैं इस तरीके से अपने, इस तरीके से आप बैटरी इंडिकेटर्स को आप चेंज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप स्टेटस बार सेटिंग्स को सेट करके जो भी स्टेटस बार आइकन्स हैं इसको आप स्टेटस बार पे शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। और साथ में जैसे अगर आपको स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स नहीं मिलती है तो यहाँ पर सर्चिंग सेटिंग पर जाकर भी आप डायरेक्टली स्टेटस बार, तो स्टेटस बार सेटिंग्स पर डायरेक्टली आप जा सकते हैं और स्टेटस बार सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।